आगे देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है एक्स वाई तथा जेड के किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह है, जहां मैट्रिक्स ए और बी आपको दे दिया गया है। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो कंपैरिजन करेंगे आप इनके संगत अवयवों के बीच में। कंपैरिजन अगर करें तो सबसे पहले यहां से जो एक्स प्लस थ्री है बराबर हो जाएगा 6 के, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 6। इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार से कंपैरिजन करें तो वाई माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू, देन वाई माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू सॉल्व कर दीजिए, वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस टू। इसी प्रकार से कंपैरिजन करें तो यहां से 6 बराबर हो जाएगा टू जेड के, देन टू जेड इज इक्वल टू 6, देन जेड इज इक्वल टू 3। ये अपने पास में आ गया एक्स वाई और जेड का मान। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास में जो कि बराबर हैं। पहला है 2x प्लस वाई ए माइनस बी, फिर 2a प्लस बी एक्स माइनस 2y माइनस 5 बराबर टू 3 3 4 और माइनस 1 माइनस 5। तो अब इसमें आपको ज्ञात करना है एक्स वाई ए और बी का मान। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो एक्स वाई ए और बी का मान ज्ञात करिए। देखो दो मैट्रिक्स बराबर होने का मतलब संगत अवयव बराबर होंगे, तो संगत अवयव अगर बराबर है तो कंपेरिजन करेंगे हम इनके बीच में। कंपेरिजन करेंगे तो यहां से 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3 के, देन 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। नंबर फर्स्ट x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x और y का मान देख लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर 2 में जोड़ने पर, ऐसा जब कर देंगे तो 4x प्लस x अपने पास में बन जाएगा 5x, 2y कैंसिल हो जाएगा, ये 6 प्लस 4 10 बन जाएगा, देन x इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से x का वैल्यू 2 आ गया, पुट कर दो वही मिल जाएगा आपको, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1। अब इसी प्रकार से कंपेरिजन करें तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 4 के, तो a माइनस बी इक्वल टू 4। नंबर 3 कर देते हैं, और इसी प्रकार से 2a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 के, तो 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 1। नंबर 4 दोनों इक्वेशंस को अगर अपन हल करें तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3a बन जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू आपके पास में 1 आ जाएगा। और a का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो b का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा माइनस 1, का वैल्यू 1 हो गया ना, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 4, तो माइनस 3 आ जाएगा। ओके अब एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखता हूं, उसको आप करेंगे और उसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये दो मैट्रिक्स बराबर है के प्लस 4 माइनस 1, थ्री के माइनस 6 इक्वल टू ए माइनस 1, थ्री माइनस 4। तो ए का जो मान ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे।